कैसी हो? अच्छी हो जीजू, आप कैसे? अरे बॉम्बे से दिल्ली कैसे अचानक? बस जीजू, कल आप मुझे सपने में दिखे और मैं आ गई आपके पास। बैठो बैठो, बातें बहुत करती हो। क्या भैया, सीन क्या है? हाँ जीजू बताइए। बस बढ़िया, तुम बताओ, अचानक कैसे टपक आई यहाँ पे? टपक आई, आपकी याद आई और मैं आ गई। और ये बताइए दीदी कहाँ है? दीदी यार तुम्हारी शिमला गई हुई है। माय गॉड, तुम्हें खुशी हो रही है? यहाँ मेरी वाट लगी पड़ी है, घर का काम मुझे संभालना पड़ रहा है। वैसे भी मैं आपसे मिल आई हूँ, दीदी से नहीं मिलने आई हूँ। क्यों अचानक मुझसे ऐसा काम क्या आ गया? मैंने बताया आप मुझे सपने में दिखे थे और मैं आ गई बस मिलने। एक बात बताओ? बताओ। यहाँ से नहीं, वहाँ बैठ के बताओ। चलो आओ, पहले तुम बता लो, एक मिनट अब बताओ। जीजू ये बताओ, आपकी स्किन का राज क्या, इतनी ग्लो कर रही है? तुम्हें देख के ना खुशी के मारे इतना ग्लो आ गया ना मुंह पे, क्या बताओ? मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ, मुझे वहाँ देख कर बोले। वहीं से देख के तुम्हें आया था ग्लो? ग्लो तो यहाँ बैठा है आपके सामने। और बताओ? बस बढ़िया, चाय पानी कुछ लोगी? ठंडा कोल्ड ड्रिंक? सब एयरपोर्ट से अभी सर, देखो पेट, देखो मेरा कोल्ड ड्रिंक। प्यास नहीं लगी क्या? कुछ नहीं, आपको देख के बहुत प्यास सब मिल गई। चलो बढ़िया। और बताओ जी, क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, आपको देख के तो बस चली रहे। तुम जवान होगी हो, बॉयफ्रेंड बनाया नहीं बना रहा किस लिए भाई? अब आपने तो बोला बड़ी होगी, ब्यूटीफुल होगी, इतने छोटे छोटे कपड़े। ओ भाई, मैं तो तुम्हारी दीदी के लिए हूँ, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए करो, अपने पति के लिए करो। मने वाले कल तो देखे, दीदी आपको खुश रखती है ना, उस तरह मैं भी आपको खुश रख सकती हूँ। क्या मतलब आप इतने भोले भी नहीं हो, समझ जाइए ना। नहीं, थोड़ा बहुत भोला होना पड़ता है कभी कभार। ऐसे मत बोलिए ना, आप समझ सकते हो ना। समझना मतलब समझाओ। आप एकदम बिल्कुल नादान बन रहे हो तो जीजू। नादान तो नहीं हूँ मैं, समझ रहा हूँ।